नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं परमाणु सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स अंडरवर्ल्ड पार्ट टू। इंस्पेक्टर वीना ने कहा, सिटी बैंक के डॉग रॉबर्स की तलाश है मुझे मिस्टर डोगर। डोगर बोला, डॉग रॉबर्स? यह आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर, कुत्तों को कितना भी ट्रेन किया जाए मगर रॉबरी नामुमकिन। इंस्पेक्टर विनय ने उन कुत्तों के हुलिये के विषय में बताया और बोले, क्या आप जानते हैं कि ये किस नस्ल के कुत्ते हैं? डोगर ने कहा, अल्सेशियन की बात कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर विनय बोले, अल्सेशियन? आपने कभी इस नस्ल के किसी कुत्ते को ट्रेन किया है मिस्टर डोगर? डोगर ने कहा, नहीं इंस्पेक्टर। फिर वापसी में इंस्पेक्टर विनय ने सोचा, अल्सेशियन डॉग रॉबर्स तक पहुँच कर रहूँगा मैं। तभी अपनी जीप के आगे जाती एक गाड़ी को देखकर इंस्पेक्टर विनय बोला, यह वैगन कहाँ से आ मरी? जीप के आगे जा रही वैगन साइड देने के स्थान पर अचानक रुक गई। इंस्पेक्टर विनय ने सोचा, ड्राइवर ने जरूर पी रखी है, उतारता हूँ उसका नशा। वैगन तक पहुँचा भी नहीं था इंस्पेक्टर विनय कि अचानक ही वैगन का दरवाज़ा खुला और कुत्ते उस पर झपट पड़े। इंस्पेक्टर विनय ने कहा, अल्सेशियन डॉग रॉबर्स? पलक झपकते ही विनय का रिवॉल्वर उसके होल्स्टर से बाहर था। लेते हुए इंस्पेक्टर विनय के रिवॉल्वर से दो शोले निकलकर दो कुत्तों की कन पट्टियाँ उड़ा गए। एक खतरनाक अल्सेशियन इंस्पेक्टर से बस कुछ ही दूर था कि अगले पल ही वह लाश में तब्दील हो गया, लाश जो उसके लिए हथियार बन गई। इंस्पेक्टर विनय ने सोचा, इन भयानक कुत्तों से बचना होगा। और तभी प्रोफेसर का मैसेज। इंस्पेक्टर विनय किसी नट के समान हवा में लहराया। इंस्पेक्टर विनय ने सोचा, प्रोफेसर के मैसेज से पूर्व मुझे बनना होता है परमाणु। इंस्पेक्टर विनय ने कहा, यह मेरे लिए अच्छी बात है कि इस सुनसान सड़क पर मुझे परमाणु बनता कोई नहीं देख सकता, लेकिन वैगन के चारों ओर मौजूद ये भयानक कुत्ते जानते हैं कि मैं इंस्पेक्टर विनय भी हूँ और परमाणु भी। परमाणु जंप लेकर नीचे पहुँचा। परमाणु ने कहा, आओ कुत्तो, अब आओ तुम। प्रतिद्वंदी एक से अधिक और प्रशिक्षित हो तो परमाणु को अपने बचाव के लिए मदद लेनी पड़ती है परमाणु किरणों की। उन कुत्तों का प्रशिक्षण धरा का धरा रह गया क्योंकि अब वे परमाणु किरणों के बंधनों में जकड़े हुए थे। भयंकर कुत्तों से निपटकर परमाणु बढ़ा वैगन के ड्राइविंग कैबिन की ओर। परमाणु बोला, वैगन का ड्राइवर कहाँ है? ड्राइविंग कैबिन का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया परमाणु ने और सोचने लगा, अंदर कोई दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा, क्या वह भाग चुका होगा? तभी दरवाज़ा एक झटके के साथ खुला। परमाणु खुद को गिरने से न बचा सका। इसी के साथ कोई सड़क पर दिखाई पड़ा। वह बोला, तूने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है परमाणु, आज तुझे टुकड़ों में बदलकर सड़क पर बिखेर जाऊंगा। परमाणु सोचने लगा, ओह कौन है यह? नकाबपोश ने कहा, परमाणु को आज पहचान गया हूं मैं। क्यों परमाणु? आज तेरे साथ इंस्पेक्टर विनय का भी खात्मा हो जाएगा और बंद हो जाएगी अंडरवर्ल्ड के बाद हंटारू की केस फाइल, क्योंकि तू मेरे हाथों से मरने वाला है, इसलिए तुझे बताने में मुझे कोई खतरा नहीं है। सुन, परमाणु ने सोचा, कुछ देर इसे इसी भ्रम में रहने दूँ। नकाबपोश बोला, डॉग रॉबर्स द्वारा बैंक डकैती हंटारू के ही इशारे पर की थी अल्सेशियन के दल ने, लेकिन जब इंस्पेक्टर विनय के रूप में तू उन कुत्तों की तलाश में निकल पड़ा तो हंटारू को लगा कि तू उस तक पहुंच जाएगा और तुझे समाप्त करने के लिए उसने मुझे भेज दिया तेरे पीछे अपने डॉग रॉबर्स के दल के साथ। परमाणु, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, यह देख तेरी मौत का परवाना। परमाणु ने सोचा, हैंड ग्रेनेड? नकाबपोश ने बम खींच मारा। परमाणु सोचने लगा, तुझे तो अब जीवित ही नहीं रहना है, इंस्पेक्टर विनय का एक महत्वपूर्ण रहस्य जान गया है तू। आग और धुएं के बवंडर में खोकर रह गया था परमाणु। नकाबपोश बोला, इसकी मौत की सूचना भी मुझे ही पहुंचानी होगी पुलिस स्टेशन, ताकि पुलिस वाले आकर इस बेचारे के टुकड़े तो बीन सकें। परमाणु ने कहा, तेरे टुकड़े बीनने के लिए तो अब चील कौवे ही आएंगे यहाँ। क्यों? नकाबपोश सोचने लगा, बम से भी बच गया? नकाबपोश का हाथ आक्रमण के लिए हरकत में ही आया था कि परमाणु ने कहा, तेरी सांवली सलोने शक्ल भी तो देखनी है अभी परमाणु को। परमाणु ने उसका नकाब नोच लिया और बोला, डोगर? डोगर ने बिगड़े हुए सांड की तरह घातक वार किया, लेकिन परमाणु ने कहा, चाकू की धार से किसे डरा रहा है बेवकूफ? परमाणु से टकराकर ही चाकुओं की धारें बना करती हैं। परमाणु ने डोगर के ही शस्त्र को उस पर आजमाने का निश्चय कर लिया था। परमाणु ने कहा, सिटी बैंक के माल की बरामदगी कहाँ होगी? यह अंतिम वार तेरी आंतें बाहर कर देगा, बोल। डोगर ने कहा, नहीं परमाणु, डोगर सब कुछ बक गया। पुलिस को डोगर की लाश और कुत्तों के बेहोश जिस्म मिले। एक सिपाही ने कहा, परमाणु का संदेश मिला था कि हाईवे पर डॉग रॉबर्स गैंग के ट्रेनर डोगर की लाश व डॉग रॉबर्स बेहोश पड़े हुए हैं। उधर परमाणु, प्रोफेसर ने कहा, परमाणु हंटारू की मौत की सूचना जल्दी ही देना।
परमाणु बोला, यस प्रोफेसर, रैविज के बीमार पागल कुत्तों को पकड़कर यहाँ लाया जाता है और फिर जहर देकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। इन पागल और आवारा कुत्तों ने शहरियों का जीना हराम कर दिया था। इस कार्य के इंचार्ज ए के नाडू ने कहा, आवारा कुत्तों को जहर दे दो और पागल कुत्तों को बेहोशी की दवा देकर वैन में पहुंचा दो और वैन को मेरे हेडक्वार्टर में। कुत्तों को नाडू के विशेष हेडक्वार्टर में पहुंचा दिया गया, जहां कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। ए के नाडू बोला, घबराओ नहीं, डोगर आता ही होगा तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए। कुत्तों की समझदार नस्ल अल्सेशियन द्वारा बैंक डकैती के बाद इस बार पागल कुत्तों को ट्रेन करने का आश्चर्यजनक कारनामा कर दिखाना है मुझे। सिटी बैंक से भी भारी रॉबरी कराऊंगा तुमसे। एक बार पागल कुत्तों का आतंक फैल जाएगा तो पूरे शहर को कंगाल बना देगा हंटारू। इसी पल गूंज उठी एक आवाज़, पागल कुत्तों के साथ रहकर तुम भी पागल कुत्ते बन गए हो नाडू उर्फ हंटारू। परमाणु ने कहा, और तुम जिस डोगर की प्रतीक्षा कर रहे हो वह अब यहाँ आकर कभी कुत्तों को ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा। हंटारू ने सोचा, परमाणु ने कहा, डॉग रॉबर्स के ट्रेनर डोगर की मौत के बाद अब तेरा नंबर है हंटारू। अप्रत्याशित रूप से रिवॉल्वर निकालकर एक साथ कई फायर झोंक मारे हंटारू ने। परमाणु का तो कुछ ना बिगड़ा, लेकिन कुत्तों के बाड़े में हड़कंप मच गया। परमाणु सोचने लगा, बड़ी जल्दी गोलियां चला बैठा यह तो। परमाणु की लाश देखने के लिए बेचैन हंटारू की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। वह सोचने लगा, एक भी गोली नहीं लगी उसे, और कहां गया वह। परमाणु ने अपनी उपस्थिति का आभास कराया हंटारू को। परमाणु बोला, बड़ा अजीब सा नाम है तेरा हंटारू। परमाणु का यह वार ना झेल सका हंटारू, और पागल कुत्ते जिनकी खौफनाक गुर्राहटों से वातावरण दहल उठा था, किसी को अपने इतना निकट देख वहशी उठे। हंटारू ने बला किसी तेजी के साथ अपना हाथ वापस खींचा और चिल्ला पड़ा, परमाणु परमाणु, इन कुत्तों की लार में भयानक जहर भरा है, मुझे एंटी रैबिज टीका ला दो परमाणु। रैबिज, पागल कुत्ते की लार से होने वाली भयानक बीमारी। परमाणु बोला, इन पागल कुत्तों का तो आतंक फैलाना चाहता था तू हंटारू, अब खुद ही इनसे होने वाली खतरनाक बीमारी रैबिज के आतंक से मरा जा रहा है। मैं तुझे नहीं बचाऊंगा कुत्ते। कुत्ते की तरह लार गिरने लगी हंटारू के मुंह से। परमाणु ने सोचा, इसके मुंह से तो लार टपकने लगी है, पागल कुत्ते के कांटे का असर शीघ्र ही हो रहा है इस पर। कुत्ते की तरह हाँफने लगा हंटारू और बोला, हम हम। परमाणु ने सोचा, अब यह नहीं बचेगा। परमाणु ने एक झटके से उसका गिरेबान छोड़ दिया और इसी पल पागल से हुए हंटारू ने पकड़ लिया परमाणु का हाथ और बोला, परमाणु, इस समय मैं जिसे भी काटूंगा उसकी हालत मेरे जैसी हो जाएगी। बुरी तरह हाँफते हुए हंटारू ने परमाणु के हाथ पर अपने दांत गड़ाने चाहे और तभी परमाणु का झन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। परमाणु ने कहा, दूर हट कुत्ते। हंटारू गिरा कुत्ते के बाड़े के निकट। हंटारू बोला, मैं इन सब कुत्तों को आज़ाद कर दूंगा, सब मिलकर फाड़ डालेंगे तुझे। खतरे को भांप परमाणु हवा में उठ गया और सोचने लगा, बहुत बुरा हर्ष होगा हंटारू का, स्वतंत्र हुए पागल खौफनाक उत्पादी कुत्ते हंटारू पर ही टूट पड़े। वातावरण में गूंज उठी थी सिर्फ और सिर्फ हंटारू की ही दर्दनाक चीखें। कुत्तों पर जहरीली गैस का इस्तेमाल कर परमाणु निकला मौत के उस तहखाने से और सोचने लगा, हंटारू जैसे लोगों का अंत और इससे भयानक होता भी क्या। प्रोफेसर ने परमाणु से कहा, परमाणु, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अब रैबिज के टीके की भी इजाद कर ली गई है। ज़रूरत है तो समय पर टीका लगवाने की, अब पेट में लगने वाले पीड़ादायक और 14 इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता नहीं रही। प्रोफेसर के इस कथन पर परमाणु ने ली संतुष्टि की एक सांस और अब उसे शेष कार्यवाही इंस्पेक्टर विनय के रूप में ही करनी थी। तो यह थी परमाणु सीरीज की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसी ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।